कई बार एनिमल किंगडम में ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो वाकई में हर किसी को हैरान कर देती हैं। कुछ जानवर इस तरह की चीजें करते हैं जो उनके लिए भले ही सामान्य हो, लेकिन इंसानों को वो बिल्कुल भी सामान्य नहीं लगती। जैसे कि सीगल्स का शिकार करने का एक अनोखा तरीका है, ये बेबी सील्स की आंखें नोच लेती हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि ये उनकी एक हंटिंग टेक्निक है, क्योंकि बिना आंखों के वो जानवर ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते, ऐसे में उनका शिकार करने में आसानी होती है। लेकिन अगर सील्स के पास दो आंखें बैक में यानी कि पीछे की तरफ होती तो शायद परिस्थिति अलग हो सकती थी। कई ऐसे जीव जंतु हैं जिनके बैक में भी आंखें होती हैं, जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, कई जानवरों के पास आंखों का एक एक्स्ट्रा पेयर होता है जो उनके बैक में होता है। हालांकि ये आंखें नकली होती हैं और इनकी मदद से वे देख नहीं पाते, लेकिन फिर भी ये आंखें उनके लिए काफी ज्यादा जरूरी होती हैं। असल में मॉथ्स या मछलियों के पास इस तरह की आंखों के पेयर्स होते हैं जो प्रीडेटर्स यानी शिकारियों को कंफ्यूज करने के लिए होते हैं, या फिर कई बार शिकारी इन्हें देखकर भी डर जाते हैं। चलिए, मछलियों और मॉथ्स में तो ये चीज समझ में आती है, लेकिन बर्ड्स को आखिर किससे खतरा होता है और वे आखिर इन नकली आंखों से किसे डराना चाहती हैं? दोस्तों, इनका भी वही मकसद होता है, सेल्फ डिफेंस। कुछ सॉन्ग बर्ड्स जैसे कि सेनेटल और फैल्कन टीम बनाती हैं और जब उन्हें खतरा महसूस होता है उन पर अटैक कर देते हैं। इनके अटैक से शिकारी की मौत तो नहीं होती, लेकिन उसे थोड़ी बहुत चोट पहुंचती है और दर्द भी होता है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये छोटे पक्षी अक्सर अपने घोंसले में रखे अंडों को और बेबी बर्ड्स को बचाने के लिए ऐसा करते हैं। साथ ही कुछ बर्ड्स के पास एक्स्ट्रा आंखें भी होती हैं, जिससे वो शिकारी को अलर्ट कर सके और खुद की रक्षा कर सके। ऐसा माना जाता है कि पक्षियों में कम्युनिकेशन की स्पीड काफी अधिक होती है। एक पक्षी दूसरे पक्षियों तक बहुत तेजी से संदेश पहुंचा सकता है। इतना ही नहीं, एक बर्ड अन्य स्पीशीज को भी संदेश पहुंचाने में सक्षम होती है, उन्हें पहले ही शिकार के आने का अंदेशा हो जाता है। साथ ही कई बार चिपमंक्स और गिलहरी को भी बर्ड्स मैसेज कन्वे कर देती हैं। इसके अलावा पक्षियों के पास एक्स्ट्रा आंखें होती हैं, जिससे कि शिकारी को भ्रमित किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि यदि शिकारी जानवर को ये पता चल जाता है कि कोई उन्हें देख रहा है तो ये उस पर अटैक नहीं करते, ऐसे में उनकी पीछे लगी आंखें काफी काम आ सकती हैं और ये आंखें उन्हें एक तरह से जीवन दान देने का काम करती हैं। कुछ जगह ऐसी भी है जहां लोग सिर के पीछे मुखौटा पहनकर घर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि अधिकतर जीव पीछे से ही हमला करते हैं। ऐसे में अगर वो देखते हैं कि किसी जीव के दोनों तरफ चेहरे हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और अटैक करने का अपना आइडिया ड्रॉप कर देते हैं। अगर आप एक पक्षी होते और किसी ऐसे इंसान को देखते जिसके दो चेहरे हैं तो यकीनन आपको भी काफी हैरानी होती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उल्लू का चेहरा इतना अजीब क्यों होता है, जबकि वो अन्य पक्षियों की तरह बिल्कुल भी नहीं है? पहले ऐसा माना जाता था कि उल्लू अल्ट्रासोनिक साउंड सुनने में सक्षम होते हैं। ये आवाजें चूहे जैसे जानवर क्रिएट करते हैं, लेकिन एक नई रिसर्च में ये पाया गया है कि उल्लू बहुत कम पिच वाली साउंड्स भी सुन सकते हैं, जैसे बर्फ के नीचे की आवाजें भी उन्हें सुनाई देती हैं। इनका श्रेय इनकी कानों को जाता है। अधिकतर लोगों को लगता है कि उल्लू के कान उनके सिर के ऊपर होते होंगे, जैसा कि अन्य जानवरों में होते हैं, लेकिन उनके कान चेहरे के काफी करीब होते हैं और वो चारों ओर पंखों से घिरे होते हैं। उल्लू की फेशियल डिस्क एक प्रकार की सैटेलाइट डिशेस की तरह काम करती हैं। अलग अलग लेयर्स के फेदर्स आउल के कान के पास होती है। ये ठीक वैसा ही काम करती हैं जैसे कि कई बार कोई आवाज़ या बात ध्यान से सुनने के लिए हम अपने कानों के साइड में हाथ लगा के सुनते हैं। उल्लुओं के पास हाथ तो नहीं होते, लेकिन पंखों की लेयर्स उन्हें ऐसा करने में मदद करती है। द ग्रेट ग्रे आउल बर्फ के 2 फीट नीचे की आवाज़ों को भी सुनने में सक्षम होते हैं। उल्लू की कुछ प्रजातियाँ ऐसी भी हैं जिनके कान कुछ ज़्यादा ही स्पेशल होते हैं। उनके कानों का साइज अलग अलग होता है और लोकेशन भी अलग होती है, और ऐसा किसी बीमारी से या डेवलपमेंट की कमी के कारण नहीं है, बल्कि इससे उल्लुओं को शिकार करने में बहुत आसानी होती है। अलग अलग साइज के कान के जरिए ये इस बात का सटीक अंदाजा लगा पाते हैं कि आवाज किस तरफ से और कितनी दूरी से आ रही है। शायद आपने पहले ये बात कभी सुनी होगी कि कुछ जानवर तेज लाइट से अंधे हो जाते हैं। हर किसी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। कई बार हाईवे पर यदि कोई खरगोश या डियर किसी गाड़ी के आगे आ जाता है तो वो फ्रीज हो जाते हैं, वे अपनी जगह से हिल नहीं पाते। इसी वजह से रात के समय जानवरों के साथ गाड़ियों से होने वाली दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं।
असल में गाड़ियां जानवरों के लिए एक नई चीज है जिसे समझने में उन्हें थोड़ा वक्त लगता है। शायद इसी वजह से वो भी कुछ देर के लिए फ्रीज हो जाते हैं और ये बात इंसानों को आज पता चली है। लेकिन उल्लू लाखों सालों से ये बात जानते हैं और समझते भी हैं। कई उल्लू के पंख सफेद होते हैं। इन सफेद पंखों पर जब चांद की रोशनी पड़ती है तो ये चमकते हैं, जिससे उनका शिकार फ्रीज हो जाता है और कुछ समय के लिए मोशन लेस हो जाते हैं। इससे उल्लू को शिकार करने का एक अच्छा मौका मिल जाता है। हालांकि न्यू मून के समय यानी अमावस्या के समय के दिनों में या फिर क्लाउडी वेदर में उल्लुओं को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें चांद की पूरी रोशनी नहीं मिल पाती। कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जो उल्लुओं को शानदार शिकारी बनाते हैं। लगभग सभी प्रकार के पक्षियों के पास पंख होते हैं, चाहे वे भले ही उड़ न पाते हों, जैसे कि पेंगुइन, लेकिन उल्लुओं के पंख ही सबसे ज्यादा रोचक नजर आते हैं। आखिर इनके पास इतनी खूबियां जो होती हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि उल्लू के उड़ने की आवाज आपको कभी सुनाई नहीं देगी। ये बहुत ही साइलेंट पक्षी माने जाते हैं। हालांकि संभोग करते समय इनकी आवाज सुनी जा सकती है, लेकिन उड़ते समय इनकी आवाज बिल्कुल नहीं आती। उल्लू के पंख और पैरों के आगे वाले हिस्से में कुछ कांटे होते हैं जो हवा को तोड़ने का काम करते हैं और इससे सारी आवाज शांत हो जाती है। इसके अलावा उल्लू के पंख दिखने में भी काफी शानदार होते हैं। ऐसा लगता है मानो कोई मखमल का कंबल हो। छूने में भी ये बहुत ही ज्यादा मुलायम और सॉफ्ट होते हैं। ऐसे खास पंखों के कारण ही ये आसानी से अपने शिकार तक पहुंच जाते हैं और उनके शिकार को भनक तक नहीं लगती। रात के अंधेरे में ये उल्लू शिकार करते हैं। उल्लू का वार काफी घातक भी माना जाता है। आपको बता दें कि सिर्फ उल्लू ही एकमात्र ऐसा प्राणी नहीं है जिनके पास इस तरह के अनोखे पंख हैं। पेरिग्रीन फाल्कन उल्लू की तरह साइलेंट तो नहीं उड़ सकते, लेकिन उन्होंने एक नेचुरल सनशेड डेवलप कर लिया है। बाज अपनी दूर की नजर के लिए जाने जाते हैं। इनकी आंखों के पास कुछ पंख होते हैं जो काले धब्बे की तरह नजर आते हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि इससे पेरिग्रीन फाल्कन यानी कि बाज को एक अच्छी नजर मिलती है। वो तेज उड़ने वाले पक्षियों को भी अपना शिकार बना सकता है और धूप जितनी तेज होगी यानी कि क्लाइमेट अगर गर्म होगा, इनके आंखों के चारों ओर का काला धब्बा भी उतना ही ज्यादा गहरा होगा। और ये कोई अनुमान नहीं है बल्कि 94 अलग अलग जगहों की रिसर्च के आधार पर ये परिणाम निकल कर सामने आए हैं। दोस्तों, हम इंसानों की नजर बाज से काफी अलग होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बाज की आंख के आसपास मौजूद काले फेदर्स के कारण ही उनकी नजर इतनी तेज होती है। तेज धूप में भी उड़ते हुए वो पक्षी का शिकार कर लेते हैं, जबकि हम इंसान तेज धूप में ज्यादा दूर तक नहीं देख सकते, बल्कि हमारी आंखों के चारों ओर काले धब्बे ही क्यों ना बना दिया जाए। लेकिन शायद इससे कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि कई बार एथलीट्स और स्पोर्ट्स प्लेयर को ऐसा करते हुए देखा जा चुका है। वे अपनी आंखों के नीचे काले रंग का पेंट लगा लेते हैं, शायद इससे उन्हें एक अच्छी विजन मिलती है। बर्ड्स अपने पंखों की मदद से और भी काफी कुछ कर सकते हैं, जैसे कि ये इनकी मदद से गाना भी गा सकते हैं। हालांकि बर्ड्स की सभी प्रजातियां ऐसा नहीं कर सकती। स्मिथ ऑर्निश जीनस की दो स्पीशीज के पास ये खास एबिलिटीज पाई जाती हैं। ये बर्ड्स ईस्ट अफ्रीका में पाई जाती हैं। मेटिंग के समय इन पक्षियों की आवाज को घने जंगलों में 328 फीट की दूरी से भी सुना जा सकता है और ये काफी रोमांचक भी होता है। इनकी आवाज को इग्नोर नहीं किया जा सकता और ये आवाज अपने मुंह से नहीं निकालते, बल्कि अपने पंखों को खास तरह से हिलाकर एक सही एंगल और स्पीड में हवा का इस्तेमाल करके ये ऐसा कर पाते हैं। हमिंग बर्ड्स भी काफी विचित्र है। दुनिया की सबसे छोटी पक्षी माने जाने वाली हमिंग बर्ड्स अपनी पूंछ और पंखों से साउंड क्रिएट करती हैं और ये आवाज बिल्कुल वायलिन जैसी मधुर होती है। हालांकि ये बिल्कुल वायलिन जैसी नहीं होती, लेकिन इनकी साउंड वेव्स वायलिन जैसी ही होती हैं। उड़ान के समय हमिंग बर्ड अपनी पूंछ के पंखों को फैला देती हैं और उनमें से जब हवा पास होती है तो एक साउंड क्रिएट होता है। हमिंग बर्ड की अलग अलग प्रजातियों में ये आवाज अलग अलग होती है। टेल रिसर्चर्स क्रिस्टोफर क्लार्क का कहना है कि हमिंग बर्ड के पास ये एबिलिटी तब से है जब उनके पास अपनी खुद की वॉइस नहीं थी, और उनकी ये बात काफी हद तक सही भी लगती है। तो दोस्तों, आपको इन जीवों में से सबसे ज्यादा अनोखा और विचित्र जीव कौन सा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।